Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the first chapter of science of class 7th. The name of this chapter is Nutrition in Plants. As we all know, plants, animals, and humans are living things. They need food. टू ग्रो अप उनको भोजन की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए अपने ग्रोथ के लिए. इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन उनको मिलता है, वो अपना फूड कैसे बनाते हैं. बिकॉज ओनली द प्लांट्स आर दैट थिंग्स विच मेड देयर फूड देयर सेल्फ. बाकी जो सजीव हैं वो सभी किसी न किसी पे डिपेंडेड होते हैं अपने फूड के लिए. बट प्लांट्स मेड देयर फूड देयर सेल्फ, खुद ही वो अपना फूड अपना भोजन बनाते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लास 6 में जैसा कि हमने पढ़ा था, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड आवश्यक होता है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. अब फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हर सजीव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, फूड के कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. अभी मैंने पहले बताया, जैसे सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो फूड खुद अपना बनाते हैं. बाकी सभी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सभी प्लांट्स या फिर किसी और जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं अपनी फूड के लिए. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बनाते. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ये अपना भोजन या तो प्लांट से पाते हैं या फिर उन एनिमल्स से पाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं. आगे बढ़ते हैं. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन प्लांट्स. अब प्लांट्स पर ह्यूमंस और अदर एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं. डायरेक्टली यानी जो प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, इस तरह के एनिमल्स जो डायरेक्ट प्लांट्स को खा करके, घास खा करके अपना जीवन यापन करते हैं. और इनडायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल शेर, वो उन जानवरों को खाता है जो प्लांट्स खाते हैं. तो इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डिपेंडेड अपॉन द प्लांट्स. अब तुम्हारे साइंस की बुक में दो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, एक बूझो और एक पहेली. बूझो और पहेली, ये दोनों कार्टून कैरेक्टर्स हर चैप्टर में तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं रिलेटेड टू दैट चैप्टर.
वो क्वेश्चंस भी हम पढ़ते रहेंगे, आगे समझाते रहेंगे, चैप्टर में ही आगे आता रहेगा, उसको समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे। फिलहाल इसमें बूझो ने पूछा है, बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब किस तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है ये पढ़ते हैं। प्लांट्स आर द वनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंटेड इन देयर सराउंडिंग्स, और बाकी रॉ मटेरियल्स जो उनके सराउंडिंग यानी उनकी जड़ों से होते हुए कैसे जाते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। अब न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वो करते क्या है। एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको वो पावर, वो शक्ति देते हैं अपनी, अपने शरीर को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, टू ग्रो, बड़ा करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। उनकी बॉडी में जो डैमेज्ड पार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें चोट लग जाती है तो उसको भी इम्प्रूव करता है, यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसको इम्प्रूव करते हैं। पेड़ के टहनियां उसके काट दो, पत्ते गिर जाते हैं, फिर वो रिपेयर कर देते हैं खुद और नई पत्तियां आती हैं, नई टहनियां आती हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ और लाइफ प्रोसेसेस, और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका लाइफ प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता रहे। न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म। अब न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन जो है यानी पोषक तत्व, ये एक तरीका है बाई टेकिंग फूड, ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का वो तरीका है जो कि फूड लेता है, यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी, शरीर के द्वारा जो फूड का यूटिलाइजेशन होता है उसका प्रोसेस होता है न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही वो शरीर को एनर्जी और बाकी चीजें प्रोवाइड करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, अब वो तरीका जिसमें न्यूट्रिएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खुद भोजन बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस को लेकर के, वो दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो यानी सेल्फ और ट्रोफोज यानी नरिशमेंट, यानी कि जो खुद भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, सेल्फ नरिशमेंट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इस तरह से प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड। एनिमल्स और बाकी अदर जीव जो हैं वो रेडीमेड फूड यानी कि पेड़ पौधों से, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पेड़ पौधों से या फिर किसी न किसी तरीके से उनसे डिपेंडेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, बाकी अदर जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसी चीजों को हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। हियर पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। पहली यहां जानना चाहती है कि हमारी, हमारा शरीर जो है वो क्यों नहीं बना पाता भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड एक्सेट्रा, इन सब चीजों से हमारा शरीर क्यों नहीं बना पाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी में पौधे कैसे बनाते हैं अपना भोजन और हमारा शरीर क्यों नहीं बना पाता है आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, उसी में आता जाएगा। नाउ वी मे आस्क वेदर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये क्वेश्चन उठ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है दिमाग में कि
ये फूड फैक्ट्रीज जो होती हैं प्लांट्स की, वो कहाँ लोकेटेड होती हैं? पूरे प्लांट में होती हैं या फिर किसी एक हिस्से में होती हैं? कहाँ होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में. वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स, अभी बताया मैंने कि क्या पूरे पार्ट प्लांट के पूरे शरीर में, पूरे नीचे से ऊपर तक हर जगह फूड प्रिपेयर होता है, आप ओनली इन अ सर्टेन पार्ट या फिर किसी एक सर्टेन पार्ट में होता है, ये भी जानते हैं आगे. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, किस तरह से प्लांट्स जो है वो रॉ मटेरियल पाते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग जगहों से, आसपास की एटमॉस्फेयर से. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स जो हैं वो रॉ मटेरियल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं उसकी रिक्वायर्ड होती हैं फूड के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, उन सब चीज़ों को वो कहाँ से पाते हैं, कैसे पाते हैं, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे के पॉइंट्स में पढ़ेंगे, चैप्टर यही रहेगा. इतनी चीज़ें आज के लिए हैं, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इन चीजों को एक बार, दो बार, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा. तो खुद सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुद से स्टडी करेंगे. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहे हैं, पूरे चैप्टर के लास्ट में आपको वर्ड मीनिंग भी प्रोवाइड की जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन खुद पढ़ो जहां तक पढ़ाया गया अभी वहां तक, और उसके बाद उसमें जो भी टफ वर्ड्स हैं उसको राइट डाउन कर लो. अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है डिक्शनरी कंसल्ट करो एक बार, क्योंकि डिक्शनरी देखना भी सिखाया गया है. उसके बाद भी समझ में नहीं आता है देन कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो कौन सा वर्ड तुम्हें समझ में नहीं आया या कौन सी लाइन समझ में नहीं आई, वो नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा. फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी पॉइंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में टच करेंगे. थैंक यू सो मच.